अंजलि देने के लिए और उनकी एक तस्वीर लेने के लिए बनारस के लोग, काशी के लोग जो है, देखिए पीछे से जहां आपको लोग दिखाई देंगे उनकी एक तस्वीर ले लेना चाहते हैं अपने प्रिय नेता की। हमार काशी हमार मोदी, ये भाव है पूरा काशी का जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए लोग जुटे हैं। बिल्कुल, वो स्टेयर्स पे जो सीढ़ियां वहां तक उनकी मूर्ति तक जाने के लिए हैं, उससे पहले जो वो एक कदम ठहरे थे, उन्होंने अपने जो जूते या चप्पल पहने थे उसको उतारा, तो ये एक सम्मान भाव भी दिखाता है कि आपके मन में किस प्रकार का भाव है उस व्यक्ति के लिए जिसने बीएचयू दिया। बीएचयू ने देश भर को कितने समृद्ध नागरिक दिए, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान दिया है, और एक प्रकार से सभी के प्रणाम को स्वीकार करते हुए 360 डिग्री एक तरीके से, क्योंकि सभी और सब लोग मौजूद हैं और ये जय घोष सुनाई पड़ रहा है प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। और निश्चित तौर से ये वो जगह है जहां से बहुत ज्यादा प्यार 2014-2019 में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कहा जाए तो एक सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन के तौर पर मिला है, और उसके प्रति आभार व्यक्त करना और एक बार फिर से उस समर्थन और उस प्यार को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। पीछे विशाल काय महामना जी की प्रतिमा, आगे प्रधानमंत्री का अभिवादन सभी को। जी, मैं पहले वो सवाल का जवाब दूं जो अभी आप सैलेंद्री से पूछा था, मैं थोड़ा सा उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहूंगा जी। कि आपने देखिए कि प्रधानमंत्री के जो जब भी नॉमिनेशन के लिए पहुंचते हैं, चाहे 2014 या 19 का हो और आप 2024 का हो, तो हम अगर पिछला थोड़ा देखते हैं अपनी रिसर्च में, तो 2014 में मोदी जी के प्रस्तावों को गिरधर मालवीय जी रहे थे, जो मालवीय जी के परिवार से होते थे। शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र थे और वीरभद्र विचार जी थे, अशोक कुमार भी थे। और 2019 में आप देखिए तो पहली बार डोम राजा, वहाँ के जो काशी के डोम राजा कहा जाता है, डोम राजा जगदीश चौधरी मोदी जी के प्रस्तावक थे, प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला और रामाशंकर पटेल के साथ में, समाज के उस सारे वर्गों के लोग थे मोदी जी के प्रस्तावक जो काशी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार जब हम ये देखते हैं कि उसी तरह से आप ये देखिए कि नामों में जिस बात की अभी चर्चा है, जो शरद कह रहे थे आचार्य गणेश्वर शास्त्री के साथ साथ सोमा घोष चुड़ामणि भी है, माझी समाज के प्रस्तावक में से भी समाज के भी एक है, महिला से भी एक प्रस्तावक की संभावना है। तो इस तरह से आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो सबकी काशी है उसको कैसे सबका विश्वास सबका साथ में समाज के हर वर्ग के लोग उनके प्रस्तावक के रूप में होते हैं। वो कोई बड़े वीआईपी नहीं होते हैं, वो एक दौर उस समय में एक बहुत कल्चरल कोई वहां पे जो शास्त्रीय में एक धारा में सबसे जो विद्वान होते हैं, जो आज ज्योतिष में आप जो नरेंद्र जी जिनका नाम ले रहे थे, वो महान पंडित रहे हैं दक्षिण भारत के, वो पंडित रहे हैं जिनका मूल आप काफी बन गया है, तो वो ऐसे लोग हैं, तो उनके साथ और समाज के लोग भी उनके मूल प्रस्तावक में होते हैं। तो ये एक समाज के साथ में सहजता और एक स्वाभाविकता जो लगाव है पीएम मोदी का, वो ये इस बात को रेखांकित करता है जब आप एक प्रस्तावक रूप में पीएम मोदी का तो नामों को आप चेहरों को आप देखते हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में लगाता है लालचंद जी हम दिखा रहे हैं। कुछ दर्शक जो अभी जुड़े हैं तो हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रोड शो चल रहा है, करीब 5 बजे ये रोड शो बनारस में शुरू हुआ बीएचयू के मेन गेट से, जहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय जी की जो प्रतिमा है उस पर पुष्प अर्पित किए, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके योगदान को नमन किया, और वहां से प्रधानमंत्री का ये रोड शो शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ लगातार इस विशेष वाहन पर उनके साथ मौजूद है, और जब से 5 बजे से लेकर लगभग 6:45 का वक्त होने जा रहा है लगातार हम